अस्सलाम वालेकुम। देखते ही आ गया ना मुंह में पानी। ये नॉनवेज नहीं, सोया बीन्स के कबाब है। इसे कबाब से और इस कबाब की ग्रेवी बनाएंगे। यकीन माने, इस कबाब को खाने पर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस सोया बीन्स की रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 कप तक सोया बीन्स को गर्म पानी में भीग के अच्छी तरह से इसको हाथों से निचोड़ते हुए गर्म पानी से काट लेकर रख लिए। देख सकते हैं अब सॉफ्ट है। इसके बाद हम जार को लिया है। जार में हम 1 मुट्ठी भर के रोस्टेड चने को डाल लेंगे और इसके साथ तो 4 लौंग, 2 इलायची, 2 से दालचीनी के टुकड़े डाल लेते हैं और इनको हम पाउडर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमें स्मूद पाउडर बना लिया है और इसमें जाएंगे हम इस सोया बीन्स को। फिर से हम दोबारा हम अच्छी तरह पानी निचोड़ते हुए डाल लेंगे। बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, तभी कोफ्ते अच्छे बनेंगे। देखिए हमने 2 टाइम निचोड़ लिया है सोया बीन्स को और जार में डाल लेके इसके साथ हम 1 बड़ी मुट्ठी भर के ब्राउन अनियन को और 2 इंच अदरक, 10 लहसुन के कलियाँ को डाल लेते हैं और इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। देखिए स्मूथ ब्लेंड कर लिया है और हम इसको मिक्सिंग बोल में कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हमने छोटा साइज चंक्स को लिया है। आप चाहे तो बड़े साइज़ में भी ले सकते हैं। इसे सोया चंक्स, सोया वड़ी भी बोलते हैं। और इसको ब्लेंड करते वक्त बिल्कुल पानी डाले बिना जिगजा करते हुए ब्लेंड कर लेना है। पानी डालने से कोफ्ते नहीं बनते हैं, ढीला हो जाएगा बैटर। और हमने स्मूथ ब्लेंड कर लिया है कोफ्ते के लिए। इसके अंदर मीडियम साइज़ प्याज को बारीक कट करके डाल लिया है, थोड़ा सा पुदीने को भी बारीक कट करके और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ते को बारीक कट करके डाल लेंगे। इसके साथ 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल लेते हैं। यहाँ पे हरी मिर्च आपके पसंद से ले सकते हैं, ज़्यादा कम। और इसके अंदर हम टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच मसाला, 2 चम्मच ऑयल को डाल लेंगे। ऑयल डालने से स्मूथ बनते हैं कोफ्ते। और एक अंडा को भी हम फोड़ के डाल लेते हैं। अंडा डालने से टेस्ट और बाइंडिंग बन जाएगा। और इस सारे आइटम्स को हमें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। हाथ से ही मिक्स कर लीजिए, अच्छा लगेंगे मसाले सोए को। हम देखिए हमने मिक्स कर लिया है और इसको हम कोफ्ते बनाएंगे। इसके लिए हाथ को हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लेके थोड़ा सा पोषण लेके हम राउंड बॉल्स बनाते हैं। छोटे ही साइज़ में बना लीजिए कोफ्ते को, ताकि ये ग्रेवी में और फ्राई करते हो तो और बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने सारे कोफ्ते को बना लिया है। इसको फ्राई करेंगे हम। इसके लिए हमने पैन में तेल डाल लिया है। तेल हीट होने पर हम मीडियम फ्लेम में रख के कोफ्ते एक एक डालते हुए इनको टर्न कर लेते हैं सारे साइड पे। हम ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते जाएंगे। पहले दफ़ा टर्न करते वक्त इस कोफ्ते को थोड़ा सा धो के कर लीजिए टर्न। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे, आराम से टर्न हो जाएंगे ये। यहाँ पे देखिए हमने टर्न कर लेते हुए सारे तरफ इवन कलर आने तक फ्राई कर लेते जाते हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, हमने शालो फ्राई कर रहे हैं। और इसको हमने ऐसे ही टर्न कर लेते हैं। इस कोफ्ते को 5 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है और साइड पे काट देंगे। इसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम जार में पहले 100 ग्राम धनिया और मुट्ठी भर के हमने ब्राउन अनियन के डाल लिया है और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे धनिया को और ब्राउन अनियन को ब्लेंड कर लिया है स्मूथ। इसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हमने कढ़ी में 4 बड़े चम्मच तेल डाल लिया है। अब तेल को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी, इलायची 4 लौंग को ऐड करके और बिरयानी पत्ते को 2 हरी मिर्च को तोड़ के डाल लिया है। ये थोड़ा भुने जाने के बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ब्राउन कलर आने तक अदरक लहसुन पेस्ट को थोड़ा सा भून लेंगे। हमें अदरक लहसुन पेस्ट भुने गया है। उसके अंदर हम 1 बड़े साइज आलू को हमने इसी तरह से कट करके डाल लिया है। आप चाहे तो आलू को अवॉइड कर सकते हैं और तेल को भी कम कर सकते हैं। एक तेल 400 ml तक है और इसको थोड़ी देर भून लेके आलू को इसके अंदर हम 1 चम्मच मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। इन मसालों को भी हम आलू से भून लेते हैं। मसाले भुने जाने से तेल में ग्रेवी में अच्छा कलर आ जाएगा। यहाँ पे मसाले आलू को हमने थोड़ी देर तेल में भून लिया है। इसके बाद फ्लेम को लो करके इसके अंदर हम थाई का ब्राउन अनियन का पेस्ट ऐड करते हैं और इस अनियन थाई पेस्ट को थोड़ी देर भून लेते हैं तेल ऊपर आने तक। यहाँ पे फ्लेम को हमने मिडिल पे रखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम
एक बड़े टमाटर को पेस्ट बना के डाल लेते हैं। मीडियम साइज टमाटर है तो दो टमाटर को पेस्ट बना के डाल लीजिए। इसे थोड़ा सा खटासपन आ जाता है ग्रेवी में और मज़ी लगती है ग्रेवी। और इसको भी मिक्स कर लेंगे, तेल ऊपर आने तक थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए यहाँ पे तेल ऊपर आ गया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसी जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के ऐड किया है और इस मिक्स कर लेके हम लीड रख के थोड़ी देर पकाने छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को लो करके थोड़ी देर पका लिया है। आलू भी ये 70% तक पक गए हैं और उसके अंदर हम कोफ्ते को डाल लेंगे। इन कोफ्ते को डाल के हम अच्छी तरह ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। यकीन मानिए ये कोफ्ते नॉनवेज से कम नहीं है और इसके ग्रेवी से लेने से उंगलियां चाटते रहेंगे, उतना टेस्ट रहेगा, ये ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पे मिक्स कर लिया है हमने, इसके अंदर अब पानी को ऐड करेंगे आपके हिसाब से, इसको थिक और पतला कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 लीटर पानी डाल लिया है। ग्रेवी फेर लेते हैं कोफ्ते और इसको हम लीड रख के थोड़ी देर पकने छोड़ेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। यहाँ पे देखिए ये डबल साइज़ हो गया है, तेल भी ऊपर सरफेस पे आ गया है। तब तक इसको पका लेना है और कोफ्ते भी बहुत मज़े के और ग्रेवी भी थिक लग रहा है, ज़रूर ट्राई करिए। रोटी के साथ, फुलके साथ, परोठे के साथ, राइस के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आखिर में इसको फ्लेम ऑफ कर देकर हम थोड़ा सा हरा धना पत्ता डाल लेंगे। आलू भी हम चेक करके दिखाते हैं, आलू भी अच्छी तरह गल गए हैं। कोफ्ते की बात तो ना पूछिए, जूसी जूसी मज़ेदार रेडी हो गए हैं। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, हमारी रेसिपी पसंद आने पर शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, फैमिली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ याद में याद रखना, कमेंट जरूर।